उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखते रह जाएंगे सखिया तुम्हारी। नमस्कार दोस्तों, सतगुरु चैनल में फिर से आके स्वागत है। जीके का कुछ और एक वीडियो लेकर आए हैं हम आपके सामने, जो आसाम हिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले हैं और आते भी हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं सब सवाल। आसाम हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। अगर सतगुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। मुगल शासन के दौरान कुछ प्रमुख युद्ध। मुगल शासन, ये हम लोग का असम हिस्ट्री में आता है। मुगल शासन के प्रमुख दौरान कुछ प्रसिद्ध युद्ध, जो युद्ध है। एक नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पानीपत में लड़ाई कब। देखा, देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन बन रहा है क्या, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, पहली पानीपत की लड़ाई हुई थी 1526 अंग्रेजी में। कितने में, 1526 अंग्रेजी में पानीपत की जो पहला लड़ाई हुआ था, किसके किसके कौन सा राज्य में हुआ था। देखिए बाबर राज्य का जो राजा थे, बाबर और मुगल साम्राज्य, बाबर द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। बाबर और मुगल साम्राज्य की। दो नंबर क्वेश्चन है खानवा की लड़ाई। देखिए खानवा की लड़ाई कितनी अंग्रेजी में हुई थी, 1527 अंग्रेजी में खानवा की लड़ाई हुई थी। बाबर ने मेवाड़ के राणा सुंग और उसके सहयोगियों को हराया। बाबर ने हराया किसको, मेवाड़ के राणा सुंग, राजा जो थे उनका नाम था सुंग, और उसके सहयोगी को हराया बाबर ने। तीन नंबर क्वेश्चन है घाघरा की लड़ाई कब हुई थी। घाघरा, देखिए घाघरा की लड़ाई कब हुई थी, 1529 में। बाबर ने अफगानिस्तान और बंगाल के सुल्तान के संयुक्त बोल को हराया। बाबर ने हराया किसे, अफगान और बंगाल के सुल्तान के संयुक्त बलों को हराया था बाबर ने। कितने अंग्रेजी में, 1529 अंग्रेजी में। चौथा क्वेश्चन है चौसा की लड़ाई कब हुई थी। देखिए चौसा, चौसा की लड़ाई 1539 में हुआ था। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। यहाँ पर शेर शाह सूरी और हुमायूं का युद्ध युद्ध हुआ और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। पांचवा क्वेश्चन है पानीपत के दूसरी लड़ाई कब हुई थी। देखिए दोस्तों पानीपत की बोल रहा है, पहले देखें हम लोग पहली लड़ाई, इस बार देखेंगे दूसरी लड़ाई कब हुई थी। 1556 में, 1556 में हुआ था पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुआ था। किसके किस कौन सा राजा के साथ हुआ। अकबर ने हिंदू राजा हेमू को पराजित किया। अकबर और हिमू राजा, हिंदू के हिमू राजा के बीच हुआ था पानीपत की दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, छः नंबर क्वेश्चन देखते हैं थानेश्वर की लड़ाई कब हुआ था। 1567 में थानेश्वर की लड़ाई हुआ था। 1567 में अकबर ने सन्यासियों को, दो प्रतिद्वंदी के समूह अकबर और सन्यासी के बीच हुआ था थानेश्वर की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों तुकरोई की लड़ाई कब हुआ था। तुकरोई 1575 में हुआ था तुकरोई की लड़ाई। अकबर ने बंगाल और बिहार के सुल्तानों को हराया। अकबर ने हराया था किसको, अकबर और बंगाल के बिहार के राजा और सुल्तानों के बीच हुआ था यह लड़ाई, तुकरोई की लड़ाई 1575 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हल्दीघाटी की लड़ाई। देखिए हल्दीघाटी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। हल्दीघाटी की लड़ाई कब हुआ था, 1576 में, 1576, 1576 में हुआ था हल्दीघाटी की लड़ाई। मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था, जो भयानक युद्ध था और भयानक युद्ध था। उस युद्ध का ईयर था 1576। कितना में हुआ था, 1576। याद रखिएगा दोस्तों 1576 में हुआ था हल्दीघाटी की लड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन समुगढ़ की लड़ाई। देखिए समुगढ़ की लड़ाई कब हुआ था, 1658 में। समुगढ़ की लड़ाई कब हुआ था दोस्तों, 1658 में। औरंगजेब और मुराद बख्श ने द्वारा सिखों को हराया। औरंगजेब ने हराया मुराद खत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों खाजवा की लड़ाई कब हुआ था। खाजवा की लड़ाई हुआ था 1659 में, 1659 में, 1659। औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को, देखिए खाजवा की जो लड़ाई था 1659 में हुआ, वो अपने दो भाई के बीच में ही लड़ा था। औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सरायघाट की लड़ाई। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, सरायघाट की लड़ाई कब हुआ, 1671 को। कितना अंग्रेजी में हुआ, 1671 को। अहम साम्राज्य के लाची
वारुक खान ने राम सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना को हराया। हम राज्य का एक राजा थे लाची वारुक खान ने राम सिंह को हराया था, जो मुगल सेना के राजा थे। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, करनाल की लड़ाई कब हुआ था? करनाल की लड़ाई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कितने हो रहा है, आगे भी हुआ है, पूछा जा चुका है। करनाल की लड़ाई कब हुआ? 1739 में। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा 1739 में नारित शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया और मयूर सिंहासन और कहानी और हीरा सहित मुगल खजाना लूटा। जिस समय करनाल की लड़ाई हुआ, नारित शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया और मयूर सिंहासन और कहानी और हीरे सहित मुगल को लूट लिया। मुगल का जो खजाना था और राजा का जो खजाना रहता है वो लूट लिया। किसने लूटा? मयूर सिंहासन और शाह मोहम्मद शाह ने। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।